शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम, जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यकृत। आपका दूसरा सवाल है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी सोच के अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्षा अम्ल। आपका तीसरा सवाल है, खाद पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी सोचिए अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका सही जवाब ऑप्शन सी, सुक्रोज। आपका चौथा सवाल है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका सही जवाब है 120 से 180। आपका पांचवा सवाल है, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? जल्दी से अपने से कमेंट कीजिए। आपका सही जवाब ऑप्शन सी, सेरिबम। आपका छठा सवाल है, वायुमंडल में सामान्य CO2 पाया जाता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.03%। आपका सातवां सवाल है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? आपके पास 5 सेकंड टाइम है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, फेफड़ा। आपका आठवां सवाल है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। आपका नौवां सवाल है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? आपके पास 5 सेकंड टाइम, जल्दी अपने आंसर कमेंट कीजिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमोनिया। आपका दसवां सवाल है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पत्ती। आपका 11वां सवाल है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? आपके पास 5 सेकंड का टाइम, जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका सही जवाब ऑप्शन बी, रंध। आपका 12वां सवाल है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? आपने अभी तक कितने जवाबों का सही आंसर दिया है? जल्दी अपना कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं कि आपने कितने सवालों को सही आंसर दिया है। आपको 5 सेकंड टाइम है, जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन है, माइकोप्लाज्मा।